Hi friends, I'm Priya and welcome back to my channel. और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे. फ्रेंड्स, आजकल जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो सब सनस्क्रीन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो हमें 365 दिन लगानी ही चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, ये मौसम कोई भी मौसम हो, इसके अंदर हमें सनस्क्रीन लगानी ही लगानी चाहिए और बिल्कुल मस्ट होनी चाहिए हमारी स्किन के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी स्किन कैसी है और हमें किस तरह के सनस्क्रीन अपने फेस पे या बॉडी पे लगानी चाहिए. तो देखिए, इसका एक सबसे अच्छा सलूशन है कि आप सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लें, किसी भी फेस वॉश से जो आपको सूट करता हो, ठीक है. उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे के लिए अपना फेस ऐसे ही छोड़ देना, उस पर कुछ नहीं लगाना. और उसके 1 या 2 घंटे के बाद आप देखेंगे अगर आपके टी जोन पे अगर ऑयल आता है तो आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है. अगर टी जोन पे कुछ नहीं होता, आपकी स्किन थोड़ी खिंचती है तो आपकी स्किन ड्राई है. और अगर आपकी स्किन नहीं खिंचती है और ना ही ऑयल आया है तो इट मीन्स कि आपकी नॉर्मल स्किन है. इसी बेस में मैं आपके लिए 3 तरह की सनस्क्रीन लेकर के आई हूँ, ऑयली के लिए स्किन के लिए और ड्राई के लिए भी और नॉर्मल स्किन के लिए भी. तो हमें किस तरह की स्किन पे किस तरह की सनस्क्रीन लगानी चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ. तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर बेस्ड सनस्क्रीन लगानी चाहिए. मेरी स्किन ड्राई है और मुझे न्यूट्रोजीना की सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. ये एक तो स्किन को आपकी हाइड्रेट करती है और एक अच्छा सा ग्लो देती है आपके फेस पे. तो देखिए फ्रेंड, ये किस तरीके से आपके फेस पे लगेगी, देखिए मैं आपको थोड़ी सी ही लगा के दिखाती हूँ. व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है. और उसके बाद देखिए शाइन, आपके फेस पे इतनी अच्छी शाइन आएगी और ये काफ़ी देर तक रहती भी है आपकी स्किन पे. ये SPF 50 है. दूसरी, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप नॉर्मल बेस पे कुछ भी लगा सकते हैं, ज़्यादा ड्राई पे नहीं जा सकते, ज़्यादा ऑयली पे नहीं जा सकते, तो आप जेल बेस सनस्क्रीन लगा सकते हैं. तो ये है मेरे पास चॉइस की जेल बेस सनस्क्रीन. ये देखिए, इसका फार्मूला है जेल बेस. तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी ली है, ये भी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है स्किन में और कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, काफी अच्छे से ऑब्जर्व होती है और स्किन पे अच्छा सा ग्लो भी लेकर के आती है. देखिए, और थर्ड सनस्क्रीन है ये ऑयली स्किन वालों के लिए. ऑयली स्किन के लिए हमें मैट में चाहिए होती है सनस्क्रीन. तो ये है सैटन की मैट फिनिश के अंदर, ये है SPF 50 और इसके साथ है PA++++. तो इसका फार्मूला कैसा है ये देखिए, ये क्रीम बेस्ड फार्मूला है ये भी. और ये देखिए, ये भी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है आपकी स्किन में, कोई वाइट कास्ट नहीं रहता इसमें और इसके बाद आपको मैट फिनिश मिलती है इसमें. ये देखिए, आपकी स्किन ऑयली नहीं रहेगी, काफी देर तक ये टिकी रहती है फेस पे. और जो ऑयल सा लगा रहता है मॉइस्चराइजर के कारण, ये वैसा कुछ भी नहीं रहता है. इसको लगाने से काफ़ी अच्छा फील देती है ये ड्राई स्किन, सॉरी ऑयली स्किन वालों के लिए. फ्रेंड्स, ये था मेरा कलेक्शन और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. ये मेरी फैमिली में जो यूज़ करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या फिर मैं, तो उसी बेस पे मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाई है. लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही परचेज करें. मैंने आपको सिर्फ एक मेथड बताया है कि आप किस स्किन पे और किस टाइप के सनस्क्रीन लगा सकते हैं. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.